नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 का ऑक्शन पूरा हो चुका है और दोस्तों कई खिलाड़ी यहां पर काफ़ी महंगे बिके हैं और कई फ्रेंचाइजी ने यहां पर काफ़ी शानदार बोली लगाते हुए कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2020 के टॉप सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं और दोस्तों उनको किस टीम ने खरीदा और वो कौन सी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, ये पूरी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों इस बार के आईपीएल के ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों पर खूब पैसा बरसा, भारतीय खिलाड़ी तो ऑक्शन में कहीं नज़र ही नहीं आए। जहाँ तक बात करें दूसरे खिलाड़ियों की तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको कीमत दी गई लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को इस बार इतनी कीमत नहीं मिली क्योंकि बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम के इस बार इस ऑक्शन में शामिल नहीं थे। लेकिन दोस्तों बात करें सबसे महंगे खिलाड़ियों की तो इस लिस्ट में हम सबसे आखिरी नंबर से शुरू करते हैं जहाँ पर आते हैं एंड फिंच को दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपनी टीम में शामिल किया है और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इनको 4,40,00,000 रुपए में खरीदा है। अगले खिलाड़ी की बात करें दोस्तों तो वो है इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन, जिनको दोस्तों 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, यानी कि 5,25,00,000 रुपए दिए हैं इनकी। वहीं पर अगले खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर आते हैं सैम करन को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है 5,50,00,000 रुपए देकर और चेन्नई की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे हम। इसके बाद दोस्तों पीयूष चावला की बात करें तो पीयूष चावला को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है 6,75,00,000 रुपए देकर। वहीं पर इसके बाद सिमरन हेटमायर की बात करें तो सिमरन हेटमायर को दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है 7,75,00,000 रुपये में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑलराउंडर नाथन कुंटरनाइल की, तो इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है 8,00,00,000 रुपए देकर, यानी कि काफ़ी शानदार बोली लगी इनके ऊपर भी। इसके बाद दोस्तों शेल्डन कोटरेल की बात करें तो इनको भी 8,50,00,000 रुपए में खरीदा है किंग्स 11 पंजाब ने। इसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने शानदार बोली लगाते हुए क्रिस मॉरिस को अपनी टीम में शामिल किया 10,00,00,000 रुपये देकर, यानी कि क्रिस मॉरिस की इस बार आईपीएल में काफ़ी शानदार बोली लगी है। वहीं पर अब इस बार बात करें आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, वो हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिनको किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है 10.75 करोड़ रुपए में, यानी कि 10,75,00,000 रुपए में। वहीं पर सबसे महंगे खिलाड़ी हैं पैट कमिंस, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 15,50,00,000 रुपये में, जो कि इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और आईपीएल के इतिहास के भी सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनको 15.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको इन सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी आया, कौन सा आपका फेवरेट है इन सभी महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।